लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अयोध्या सीट जिताने की कमान अब संभाली। आज अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर पहले चुनाव में बीजेपी को हार मिली, अब इसी को लेकर भाजपा सख्त हो गई है। भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्यों को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और वहां की भी जिम्मेदारी दी गई है। वही मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को। दूसरी ओर बात करें हम तो महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और सीट दी गई है। वही विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अयोध्या सीट जिताने की कमान अब संभाल ली है। मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट की जिम्मेदारी ले ली है। वही बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल भी माना जाता है। और यह भी बता दें कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना एक प्रतिष्ठा की बात हो गई है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब अयोध्या से वे सांसद हो गए हैं। आज अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी से संबंधित अब उपचुनाव की भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्यों को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ की जिम्मेदारी दे दी गई है। वही दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की कमान संभालने के लिए दे दी गई है। उपचुनाव के लिए बड़ी तैयारी भाजपा कर रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरती में मिली है। महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। ये लखनऊ से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव से ये बड़ी बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या सीट जिताने की कमान संभाल ली है और इसी संबंधित मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ले ली है। बीजेपी के लिए बात करें मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, तो ये जीतना उनके लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब अयोध्या से सांसद होंगे। वहीं दूसरी ओर आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उपचुनाव के लिए भाजपा ये बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्यों को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ की जिम्मेदारी दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की कमान संभालने के लिए दे दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरती की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाजपा की बड़ी तैयारी उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने चुनाव हारने के बाद अब उपचुनाव के लिए कमर कस ली है।